हेलो भाई, स्वागत है आप लोग का मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, 100 रुपये में डिनर यहाँ पर कैसे मिलता है। प्रॉपर डिनर दिखेगा, जीरा राइस और शाही पनीर हाफ, एक लच्छा पराठा, एक तंदूरी रोटी विद सम सैलेड। मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं यहाँ मेरे घर के पास ही एक मार्केट है, मार्केट के पास एक छोटी सी दुकान है, रेडी लगाते हैं लोग। वो लोग मतलब अच्छा खासा घर जैसा खाना 70, 80, 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है आपको। जितना आपको जो जो चाहिए अपने हिसाब से आपको मिल जाएगा, हाफ फुल, जैसा आपकी क्वांटिटी, जैसा आप खाते हो उस हिसाब से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लेकर आ चुका हूँ पार्सल वहाँ से। मैं भी आपको खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या है उसमें और कैसा टेस्ट है, इज़ इट वर्थ फॉर 100 रुपीज़ और नो। येस इट इज़ वेरी चीप। अब इसमें आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट फिर भी दे गिव क्वालिटी। मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और इसका जायका आपको टेस्ट कराता हूँ डिजिटली। कुछ ऐसा है मेरा डिनर आज का, सिर्फ 100 रुपए के अंदर अंदर। ये रहा जीरा राइस, ये रहा शाही पनीर विच इज़ जस्ट $40 फॉर द हाफ, और ये रहा हमारा रोटी दो, पैकेजिंग भी इतनी बुरी नहीं है। और ये रहा हमारा छी मच। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, कैसा दिखता है, कैसी क्वालिटी है। चलिए मेरा शाही पनीर, इसमें पनीर के चंक्स तो बहुत छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, 40 रुपये में आप क्या ही लोगे, पतली पतली धारियाँ हैं पनीर की। बट ठीक है यार, एक आदमी के लिए काफ़ी है इतना। और ये सैलेड है, प्याज जो मैंने खाने वाला पता नहीं कब का रखा होगा। ये जीरा राइस है, इसको प्लेट में डालते हैं। मस्त, इट्स पाइपिंग हॉट। एक आदमी के लिए काफ़ी क्वांटिटी है यार, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। ये हमारा राइस इसमें आ गया, अब निकाला जाएगा लच्छा पराठा और तंदूरी रोटी। तो ये है लच्छा पराठा और ये है तंदूरी रोटी। तो लच्छा पराठा कुछ 20 रुपए का है और तंदूरी रोटी 10 रुपए का है। 30, 40, 70 एंड 30, 100 रुपीज़। सॉरी, दिस इज़ फॉर 25, एक्चुअली पूरा 100 भी नहीं है, 95 रुपीज़। तो मैं भी आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ इसका जायका कैसा है। ये इसको इसमें निकाला जाए। भाई पनीर भी अच्छा खासा, इतना बुरा नहीं है, मेरे अकेले के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा ग्रेवी ले लिया जाए, पच पच करके गिर जा रहा है बे। पहले लच्छा पराठा टेस्ट करेंगे कैसा है। ये तो अच्छा लग रहा है, फ्लेकी लग रहा है। क्या 20 रुपये में आप क्या ही लोगे, किसी की जान तो लोगे नहीं, पेट भर के खाना मिल जा रहा है, काफ़ी है। तो ये है बड़ा सा बाइट, पनीर लिया और तो ये मैंने बड़ा सा बाइट बनाया है। अब इसको टेस्ट किया जाए, गरम है। एकदम घर जैसा है, ज़्यादा ओवर पावरिंग मसाले नहीं है, बहुत ही लाइट। शाही पनीर में वैसे भी ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता, रोटी भी काफ़ी अच्छी है। एक और बाइट लेते हैं, वैसे मज़ा नहीं आता। ₹20 वेस्ट नहीं अपना। तंदूरी रोटी टेस्ट करते हैं, वरना ये तो एकदम नरम हो जाएगी, वो हो जाएगी कड़क। ये
तंदूरी रोटी भी अच्छा, मतलब पैसा नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हो गया अगर आप सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा राइस का टेस्ट करता हूँ। ये रहा राइस और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जीरा राइस के साथ भी। चलिए अब मैं ख़त्म करता हूँ और फिर आगे मिलते हैं आपको, खाने का रिव्यू देते हैं। यार रोटी तो खा लिया मैंने, आधा फुल हो चुका हूँ, एंड राइस की क्वालिटी क्वांटिटी सॉरी वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको कैसे परवड़ रहा है, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं लोग, हमको नहीं समझ आ रहा भाई साहब। ये मतलब इतना सब्जी भी बच गया है अभी उसमें, और अभी ये पनीर भी बचा है, इतनी सारी राइस भी खानी है, हमसे जितना खवाएगा उतना ही खाएंगे, अब क्या करें। खाना नुकसान तो करना नहीं चाह रहे थे हम, इसलिए सारी चीज़ें हाफ लिए। अब हमको क्या पता था दो रोटी में इतने फुल हो जाएंगे, और ये चावल हमको तो घुटाएगा भी नहीं। फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा राइस ख़त्म करें, और चलिए आपको मिलते हैं आगे। तो गाइज मैंने फाइनली डिनर ख़त्म कर लिया है, ख़त्म कर नहीं पाया मैं एक्चुअली, जो जिस चीज़ से मैं बचता हूँ हुआ वही चीज़, ओवर ईटिंग एंड फूड वेस्टेज दोनों थोड़ा थोड़ा हो गया मुझसे। भाई साहब इतना अकेले नहीं खाया जाता है इंसान से, अब उनको समझ में आना चाहिए कि हाफ़ राइस थोड़ा सा कमी क्वांटिटी होनी चाहिए। यार इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी, ऊपर से मैंने दो रोटी ले ली, एक लच्छा पराठा और एक तंदूरी रोटी, विच वॉज हैवियर टू माई बॉडी। अब मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया भाई साहब, इतना अपना एपिटाइट नहीं है। बट फिर भी मैं अगर भाजी की बात करूँ, जो पनीर शाही पनीर था तो वो टोमेटो ग्रेवी बेस बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे देखा जाए ओवरऑल, अगर आग बंद कर लिया जाए कि वो शाही पनीर नहीं है तो आप खा सकते हो, 40 रुपये बहुत है। अगर आप उसको शाही पनीर के नज़रिए से खाओगे तो फिर वो शाही पनीर नहीं लग रहा था, क्योंकि शुरुआत के दो चार जो चार बाइट में अच्छा लगा, बट फिर धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा टोमेटो टोमेटो हो गया, तो आई वॉज़ एंट एबल टू ईट इट। फिर वो मेरा ऐसा लग रहा था गले तक आ गया था, पूरा गले तक, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना मज़ा नहीं आया। बट सब्ज़ी ठीक थी, अगर इंसान को पेट भरना है तो बहुत अच्छी सब्ज़ी थी, बस वो टोमेटो पेस्ट बहुत ज़्यादा था ग्रेवी के अंदर। और जीरा राइस भी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, राइस की इतनी बुरी नहीं थी। रोटी सबसे अच्छी लगी मुझे, लच्छा पराठा ज़्यादा अच्छा लगा तंदूरी रोटी के कंपैरिजन में। और ओवरऑल मेरा खाना मुझे 95 रुपीज़ का पड़ा है। तो अगर आप कभी दिल्ली NCR में हैं तो ये मत सोचेगा कि आप भूखे मर जाएंगे रात में, आपके पास अगर जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं तो आप पेट भर खाना नहीं खा सकते। बहुत कुछ था उनके पास, कढ़ी पकौड़ा, दाल फ्राई, ये सब मैनी मोर थिंग्स, चना मसाला सब कुछ था। तो आप यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ना अमृतसरी नान नाम के स्टॉल होते हैं, तो आप कभी भी वहाँ पर जाएंगे, वो बहुत हाइजीनिक होता है उनका, वो डिस्पोजेबल प्लेट्स में देते हैं, चम्मच उनका सब कुछ रहता है, कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा आपको गंदगी है आसपास, बहुत साफ़ सफाई से रहते हैं वो लोग भी। तो अगली बार जाइए, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करिए और ज़रूर टेस्ट करिए, और ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि 100 रुपये में मैं आपको 500 रुपये का या 1000 रुपये की क्वालिटी का खाना दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।